सो इन दिस मीड्यूल वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेविंग इन लास्ट मीडियूल वी हैव डिस्कस दैट नैशनल सेविंग्स एंड इट्स एसोसिएटेड एफेक्ट एंड हाउ द नेशनल सेविंग इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड करेंट अकाउंट प्राइवेट सेविंग की बात करें तो नेशनल सेविंग को अगर डिस्कस करें तो वो प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग से मिल के बनती है तो प्राइवेट सेविंग्स में इसको हम नोटेशनल फॉर्म में एस पी से शो करें और जो प्राइवेट सेविंग होती हैं वो डिस्पोज़िबल इनकम में से अगर आप कंजम्पशन को माइनस कर दें तो डिस्पोजिबल इनकम क्या होता है बेसिकली ये सेक्शन जो है y माइनस टी दैट इज़ योर डिस्पोजिबल इनकम जब आपकी इनकम में से स्टेट आपसे टैक्स कलेक्ट कर ले तो जो बाकी पैसे बचते हैं आपके पास उसको आप डिस्पोज़बल इनकम बोलोगे तो आपकी इनकम में से जो आप खर्च कर देते हो तो बाकी जो आपके पास पार्ट बचता है आप उसको बोलेंगे प्राइवेट सेविंग अब एक सेविंग तो इंडिविजुअल्स करते हैं यो जो जो प्राइवेट लोग हैं हम जैसे लोग हैं वो कर रहे हैं और दूसरी जो सेविंग्स हैं वो गवर्नमेंट भी करती है जिसको हम एस जी से शो करते हैं और एस जी में आपके पास जैसे इंडिविजुअल्स के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज होते हैं इसी तरह गवर्नमेंट के भी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज होते हैं जो वो टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं अब टैक्सेस की हम डिटेल में नहीं जाते इट इज़ इन द डायरेक्ट फॉर्म इनडायरेक्ट फॉर्म उसकी कंपोजिशन की हम बात नहीं करते जस्ट हम ब्रॉडली स्पीकिंग हम टैक्सेस से जनरल टैक्स सारे टैक्सेस को शामिल करके जो टैक्स सम आएगा उसको हम टी से शो कर रहे हैं तो टी माइनस जी जी प्रिंसिपली गवर्मेंट परचेजेस हैं जो हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं तो आपके पास जो गवर्नमेंट की इनकम है उसमें से जो गवर्मेंट परचेजेस करती है उसमें से जो बाकी पार्ट बच जाएगा उसे आप गवर्नमेंट सेविंग कहेंगे और प्रिंसिपली अगर आप इन दोनों को एड ऑन करते हैं तो आपके पास नेशनल सेविंग बन जाएगा दिस इज़ प्राइवेट सेविंग पी एंड दिस इज बेसिकली पी सॉरी इसको आप एस पी कह लें एंड दिस वन इज़ एस जी प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग ये इनफैक्ट ये साथ नोटेशनल फॉर्म में डिस्कस भी किया हुआ है अब थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे फ़र्क क्या है जब हम सपोज़ प्राइवेट इंडिविजुअल्स सेविंग करते हैं तो उनकी सेविंग्स के या इन्वेस्टमेंट्स की अगर आप बात करें उस तरीके से इम्प्लीकेशन्स नहीं आती अब जब गवर्नमेंट सेविंग के डिसीजन लेती है तो इट अफेक्ट्स इकॉनमी जैसे सपोज गवर्नमेंट कहती है कि जी मैंने जो सेविंग्स हैं बढ़ानी हैं फॉर दैट रीजन आई हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस एंड डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स अब यहाँ पे यू कैन इमेजिन कि एक इकॉनमी ये डिसीजन जब एक स्टेट ये डिसीजन लेती है या कंट्री ये डिसीजन लेता है कि उसको अपने टैक्स गवर्नमेंट को बढ़ाने हैं और अपनी स्पेंडिंग्स कम करनी है तो उससे आम आवाम के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है इवन आपकी इससे ना सिर्फ आ, आपके पास टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ इनकम या डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है बल्कि इसके साथ साथ आपके अनए्लॉयमेंट के होने के कॉजस भी हो सकते हैं क्योंकि तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स uh, करती है जैसे हेल्थ है एजुकेशन है तो वहाँ पे अगर कम बजट uh, एलोकेशन होंगी या वहाँ पे कम अखराज होंगे तो वहाँ पे जॉब रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं तो गवर्नमेंट सेविंग डिसीजन जो हैं वो अक्सर आपके पास जो आउटपुट है ख़ास तौर पर उसको देख के और एम्प्लॉयमेंट को देख के किए जाते हैं इसी वजह से Uh, अगर आप नोट करें तो जब इकोनॉमी की हालत ख़राब हो किसी इकॉनमी की तो जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाती है अब जैसे कोविड के दौर के अंदर अगर आप देखें तो एक यूके की एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स किए गए हम लोग उसको आल दो गवर्नमेंट परचेजेस की तरफ नहीं डालेंगे आ, लेकिन उसकी सेविंग्स जो हैं वो डिप्लीट की कम हुई क्योंकि उसको स्पेंडिंग्स करनी पड़ी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर इसी तरीके से जो सपोज अगर आ, रिसेशन चल रहा है तो स्टेट ये कर सकती है कोई नई आपके पास आ, स्टेट ओन्ड कोई इंडस्ट्री खोल सकती है जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जो आपकी जनरेशन हो और लोग अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलें जो अगर आप इसको ओपन इकोनॉमी के केस के अंदर डिस्कस करें तो हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया है कि ओपन इकोनॉमी में आपके पास हमने सेविंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया वन इज़ प्राइवेट सेविंग एंड अदर वन इज़ गवर्नमेंट सेविंग और इसको हम लोगों ने जो लास्ट मड्यूल के अंदर डिस्कस किया कि ओपन इकोनॉमी के अंदर आपके पास करंट अकाउंट की एडिशन होती है उसको न्यूटिशनल फॉर्म में शो कर दिया इसको जब हमने जो है वो सिम्प्लीफाई किया इस इक्वेशन को हम लोगों ने प्राइवेट सेविंग यहाँ पे रहने दी गवर्नमेंट सेविंग को दूसरी साइड पे ले गए ये इधर आके माइनस हो गया अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट की सेविंग्स हैं इनको हमने नाम दिया हुआ है टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास जो एस है इसकी वैल्यू टी माइनस जी आ गई हमने फिर इसको रीअरेंज करके लिखा सपोज़ इसको अगर हम माइनस uh, को मल्टीप्लाई करें तो यू विल सी माइनस टी प्लस जी इसी एंड पे मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई करें तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में ले आते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे सजेस्ट ब्रैकेट डाल देते हैं अब हमने प्राइवेट सेविंग जो इंडिविजुअल करते हैं उनके पास क्या ऑप्शन बचती हैं दे हैव थ्री ऑप्शन ये है आपके पास प्राइवेट कैपिटल की तरफ जाया जाए या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाया जाए जो आपके पास डोमेस्टिकली होती हैं वहाँ पे कंज्यूम कर लिया जाए आपके पास करंट अकाउंट की फॉर्म के अंदर स्पेंडिंग्स आपकी हो सकती हैं सेविंग्स की या फिर जो गवर्नमेंट डेट्स की फॉर्म है उनको आप परचेजेस उनकी कर लें तो ये आपके पास जो प्राइवेट सेविंग की कंपोजिशन बनती है एट द एंड ऑफ द डे वो इस फॉर्म में बनेगी इस फॉर्म के अंदर